बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नासरीन। आज रात से एतवार 29 जनवरी और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान नए ताकतवर मगरबी सिलसिले के बायस मुल्क के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद तूफ़ानी बारिश, ओले पड़ने और बर्फबारी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बरए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज रात से एतवार 29 और सोमवार 30 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिले के बायस क्वेटा समेत सुबह बलोचिस्तान, पिशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लाहौर, मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सुबह पंजाब के ज्यादातर वस्ती, बालाई और मशरकी इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, ओले पड़ने और शदीद बर्फबारी का इम्कान। जबकि इसी दौरान जनूबी पंजाब और कराची समेत सुबह सिंध के बाद इलाकों में भी सिर्फ कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक आज रात से आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तुरबत, पंचगूर, क्वेटा, ग्वादर, पसनी और माड़ा, सिब्बी, कोहलू, कलात, खारान, नौकुंडी, दालबंदीन, चमन, पशीन, ज्यारत समेत सुबह बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, पिशावर, एबटाबाद, मरदान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा, दीर, चित्राल, स्वात, वजीरस्तान, कोहस्तान, कोहाट, कुरम, पारा चनार समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के तमाम शुमाली पहाड़ी इलाकों और खसूसन बहावलनगर, चिश्तियाँ, हासिलपुर, पाकपतन, ओकाड़ा, ननकाना साहिब, कसूर, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, चकवाल, जेहलम, अटक, गुजरांवाला, गुजरात, मणिभावतीन, हाफसाबाद, खारिया, फालिया, शेखपुरा, टोबा, टेक सिंह, झंग, चनियोट, मियाँ चनू, खोशाब, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन समेत सुबह पंजाब के ज्यादातर वस्ती, बालाई और मशरकी इलाकों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जालाबारी और मरी गिलिया समेत पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, खतरनाक मौसमी सूरत हाल और बाज इलाकों में बारिश की मकदार 50 से 90 मिलीमीटर तक पहुंचने की तवक्को। तहम इस दौरान डीजी खान, भक्कर, लैया, मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर डिवीजन समेत जनूबी पंजाब और कराची, सखर, लाड़काना, जैकपेबा, दादू समेत सुबह सिंध में सिर्फ कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है।